हेलो हाय नमस्ते सलाम, मैं हूं अर्षद और चैनल का नाम है तकनीक मंत्रा एंड वेलकम अगेन टू आवर न्यू वीडियो व्हिच इज ऑन पैन कार्ड डिटेल करेक्शन। दोस्तों अगर आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर के या फिर किसी फ्रेंड के पैन कार्ड में किसी भी तरह की मिस्टेक है, जैसे कि अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है या उसके नाम की स्पेलिंग गलत है या फिर उसके सिग्नेचर मिसमैच है, तो दोस्तों आप इसको करेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन तो ऑफलाइन का है, जिसमें कि आप संबंधित विभाग के दफ्तर जाके वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट सबमिट करके ये काम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आजकल तो कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना है और जियो माता की कृपा से हम सभी के पास में इंटरनेट अवेलेबल है, तो जो काम आप दफ्तर जाके आधा दिन बर्बाद करके कर सकते हो, वही काम आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर केवल 10 मिनट में कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है और हर स्टेप को समझना है। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह से समझ लिया तो इसके बाद में आपको केवल 10 मिनट लगेंगे अपने पैन कार्ड डिटेल करेक्शन की एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अगर आपको कहीं भी लगे कि मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके उस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा या फिर वीडियो खत्म होने के बाद में एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ताकि आपको हर चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और दोस्तों इसके लिए चलना पड़ेगा हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कैसे करते हैं ये काम। दोस्तों यहाँ पैन कार्ड में करेक्शन करेंगे हम आधार कार्ड को बेस बनाकर, इसलिए आधार कार्ड की आपकी सारी डिटेल सही होनी चाहिए, साथ में उसको मोबाइल नंबर के साथ में लिंक भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप OTP नहीं मंगवा पाएंगे और आधार कार्ड का ऑनलाइन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये श्योर कर लीजिए कि आपका आधार कार्ड सही है और वो मोबाइल नंबर के साथ में लिंक है। ये 4 डॉक्यूमेंट आप कंप्यूटर में किसी फोल्डर में सेव करके रख लें, ताकि आपको आगे परेशानी नहीं होगी और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हमें हमारे कंप्यूटर में खोलना है हमारा ब्राउज़र और उसमें गूगल सर्च बार में जाके टाइप करना है NSDL और फिर सर्च कर देना है। जैसे ही हम सर्च करते हैं ये पहला ही रिजल्ट देता है हमें पैन कार्ड NSDL का। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी इसको ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और देखिए ये रिडायरेक्ट करके नए पेज पे लेके आता है, जो कि है टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और ये ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन का फॉर्म है और अप्लाई ऑनलाइन की टैब पहले से ही सेलेक्टेड है। इसमें एप्लीकेशन टाइप में जाएंगे हम और यहाँ से थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि है चेंज और करेक्शन का। फिर कैटेगरी में जाके हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं है, कंपनी नहीं है, एक सामान्य से व्यक्ति हैं, तो आपकी कैटेगरी इंडिविजुअल होगी, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन का। इसमें आई बटन पर जाके इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनिशियल्स परमिटेड नहीं है, मतलब आप कुमार की जगह KR का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको फुल नाम ही लिखना पड़ेगा। साथ ही में जो आपके जितने भी आप प्रूफ देंगे उन सब में डिटेल्स आपकी मैच करनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए, तो ये आप इंश्योर कर लीजिएगा। इसके बाद में आप टाइटल में जाके टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए, श्री श्रीमती कुमारी जो भी आपका हो, मैं यहाँ पर श्रीमती सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में लास्ट नेम का ऑप्शन है सरनेम का, और इस पर स्टार भी लगा हुआ है, तो मतलब ये आपको भरना कंपलसरी है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका केवल नाम ही होगा, लास्ट नेम कुछ नहीं होगा, तो वो अपने लास्ट नेम की जगह अपना नाम ही भरें और जो फर्स्ट नेम की जगह है उसको खाली छोड़ दें। यहाँ पर मैं लास्ट नेम भर देता हूँ और फर्स्ट नेम भी भर देता हूँ। अगर किसी का मिडिल नेम है तो वो यहाँ पर लिख सकता है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ सकता है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल करते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर फिल करते हैं और वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया को यस करते हैं, और यहाँ पे वो पेन नंबर फिल करते हैं जिसमें हमें करेक्शन करना है, और यहाँ पे कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसने टोकन नंबर जनरेट करके हमको दे दिया है। इस टोकन नंबर को आप फ्यूचर यूज़ के लिए सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके काम आ सकता है। अब ब्लू बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। इस वाले पेज पर सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आप अगर इस काम को कहीं भी छोड़कर उठना चाहते हैं तो आप इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं और दोबारा टोकन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ने के लिए 3 ऑप्शन हमें देता है। पहला ऑप्शन पेपरलेस है, EKYC और eSign-in का यूज़ करता है। अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट फिजिकली कहीं पर सेंड करने की ज़रूरत है। लेकिन इस ऑप्शन के थ्रू आप अपना सिग्नेचर और फोटो को अपडेट नहीं कर पाएंगे, जबकि सेकेंड ऑप्शन के थ्रू आप अपने फोटो और सिग्नेचर को अपडेट कर पाएंगे। साथ ही में इसमें भी कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट फिजिकली सेंड करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। और जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, इसमें आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे IT डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस को।
अब देखिए इस वाले ऑप्शन में हमसे कह रहा है कि क्या आपको अपने पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी चाहिए, तो हमें तो चाहिए इसलिए हमने यस पे क्लिक किया है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पैन नंबर लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर हमें आधार कार्ड की 4 डिजिट एंटर करनी है, लास्ट वाली। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को आप जल्दी जल्दी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी टाइम लेंगे तो इस तरह का कोई डायलॉग बॉक्स निकल के आता है कि अगर आप डाटा को खोना नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सेव कर लीजिए। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों क्योंकि हमने आधार नंबर का यूज़ किया है तो हमें EID की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसे खाली छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में हमें मिलता है फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट का। तो दोस्तों अगर आप नाम में करेक्शन करना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को चेक कर सकते हैं और यहाँ पर नाम को भी करेक्ट कर सकते हैं। और ये वो वाला नाम है जो आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि हमें डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है, इसलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं और इस डेट ऑफ बर्थ को भी चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। अब इस जेंडर पे हम क्लिक करके जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इस बॉक्स पे भी क्लिक कर देते हैं। इसके नीचे देखिए फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच ऑलरेडी सेलेक्टेड आता है। अब डिटेल ऑफ पेरेंट्स में आप एप्लीकेंट के फादर नेम भर दीजिए, जिसमें पहले लास्ट नेम और फिर फर्स्ट नेम और यहाँ पे मिडिल नेम। और देखिए नीचे ये मदर्स नेम का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, मतलब अगर आप चाहें तो इसे भर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अभी देखिए आपसे पूछ रहा है कि आप अपने पैन कार्ड में किसका नाम शो करना चाहेंगे, अपने माता का या पिता का। तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फादर्स नेम सेलेक्ट किया है और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछ रहा है आपसे, तो रेसिडेंस सेलेक्ट करके यहाँ पे एड्रेस फिल कीजिए। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कीजिए जो कि है इंडिया, और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे पिन कोड फिल कीजिए। इसके नीचे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं, तो हम तो नहीं चाहते इसलिए हमने खाली छोड़ दिया। और फिर टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी को हम अपडेट करना चाहते हैं इसलिए हमने इसको चेक कर दिया। अब यहाँ पे अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि है 91। SCD कोड को खाली छोड़ते हैं और फ़ोन नंबर हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, ईमेल आईडी भी हमारी लिखी हुई आ रही है। अब क्योंकि एप्लीकेंट के पास में एक से ज़्यादा पैन कार्ड नहीं है, इसलिए इस कॉलम को खाली छोड़ते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और इस वाले ऑप्शन में हमसे पूछता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो हम तीनों ऑप्शन में आधार कार्ड को सेलेक्ट करते हैं और फोर्थ ऑप्शन में हम कॉपी ऑफ पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एप्लीकेंट का फुल नेम टाइप करते हैं और यहाँ पे हिमसेल्फ हरसेल्फ। अब हमसे डॉक्यूमेंट की क्वांटिटी पूछ रहा है जो कि हमें अपलोड करने हैं। तो ऊपर हमने 4 में से 3 में आधार कार्ड को सेलेक्ट किया है और 1 में पैन कार्ड को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल 2। प्लेस में हम हमारी सिटी टाइप करेंगे और डेट पहले से ही सिलेक्टेड है। अब ये यहाँ हमसे एप्लीकेंट के फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है जो कि रिक्वायर्ड फॉर्मेट JPEG में होना चाहिए और जिनका साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए। तो हमने वो पहले ही बना के रख रखे हैं तो हमें यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और हम इजीली अपलोड कर पाएंगे। अब देखिए ये हमने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। इसके नीचे हमें ऑप्शन दे रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो यहाँ पे हम हमारे डॉक्यूमेंट जो कि है आधार कार्ड और पैन कार्ड वो अपलोड कर देते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब इसमें सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हमें फिल करने हैं हमारे आधार कार्ड के 8 डिजिट शुरू वाले। अब इस डिटेल को आप चेक कर लीजिए अगर सही है या गलत है। अगर सही है तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। अब देखिए ये पेमेंट के ऑप्शन दे रहा है, 3 ऑप्शन है, इसमें से हम ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करते हैं, पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं और डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल्स को भर के पे पर क्लिक करते हैं, OTP फिल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं और कंफर्म करते हैं। अभी देखिए हमारी पेमेंट हो चुकी है और इसमें अब हमें ऑथेंटिकेशन करना है,
तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करना है, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, ओटीपी ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। अब देखिए ये हमारे उस वाले नंबर पे ओटीपी सेंड करता है जो आधार कार्ड के साथ में लिंक है। तो जैसे ही ओटीपी रिसीव हो जाती है वो ओटीपी यहाँ पे फिल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। और इसी के साथ में हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पेमेंट एप्लीकेशन। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ आ चुका है कि अगर आपने ई केवाईसी और ई साइन इन का इस्तेमाल किया है तो आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो चुका है। और यहाँ पे मेरा IDM काम नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पे ये फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं डाउनलोड PDF पे क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर सकता हूँ। और यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ डालिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। और ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जिसे हमें कहीं भी सेंड नहीं करना है, ये हमारी मेमोरी के लिए है। और अब हमारा फिजिकल पैन कार्ड हमें 15 से 20 दिन के अंदर हमारे एड्रेस पर रिसीव हो जाएगा। और लिटरली दोस्तों आपके लिए कुछ मिनटों का वीडियो बनाने के लिए बहुत घंटों की मेहनत लगती है और लगता है बहुत सारा टाइम रिसर्च में। तो दोस्तों जब इतनी मेहनत करी है तो इतना तो हक रखता ही हूँ कि आपसे कह सकूँ कि इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और दोस्तों अच्छा काम करने के लिए बहुत सारे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। Thank you.